गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू सरदा स्टडी क्लासेस। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट डिग्री, पार्ट ऑफ टू डिग्री। तो बच्चों, कल हम लोग पढ़े हुए थे डिग्री के बारे में, और डिग्री में हम लोग जाने थे कि डिग्री का सेंटेंस कैसे होता है। जो सेंटेंस एज एज में होता है उसे पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, उसे कंपरेटिव में कैसे बनाते हैं, और उसके लिए कुछ नियम थे। आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे कि डिग्री के कुछ सेंटेंसेज होता है वो पॉजिटिव का होता है, कंपरेटिव में कैसे जानेंगे। जैसा कि कल पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था तो कंपरेटिव में लाना है। अब क्या होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंपरेटिव का सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो उसे पॉजिटिव में कैसे लाते हैं, यानी कि रिवर्स कैसे सेंटेंस को करते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए आप, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो मेरा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था वो कंपरेटिव डिग्री में बनता था। अब हम जानेंगे कि कंपरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस रहेगा उसे पॉजिटिव में कैसे बनता। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा तो उसे कंपरेटिव में कैसे बनाते हैं। अब बनाएंगे क्या कि अगर सेंटेंस हमारा कंपरेटिव रहेगा तो उसे पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, यानी कि सेंटेंस को रिवर्स कैसे करते हैं, कि दिया हुआ सेंटेंस कंपरेटिव में हो और उसे पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ टॉपिक है जिसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब क्या कि डिग्री है, और डिग्री में जो सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो कंपरेटिव में कैसे बनाएंगे, है ना। तो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है डिग्री, और मेरा नियम है क्या कि जब कंपरेटिव सेंटेंस हो और उसे पॉजिटिव में लाना है, यानी कि रिवर्स सेंटेंस लाना है, तो उसके लिए कुछ नियम है जो इस प्रकार है। सबसे पहले यहां पर लिखना है क्या कि जो आगे के नाउन रहेगा उसे पीछे लिखना है, और पीछे के नाम रहेगा उसे आगे लिखना है, जैसे कि कल मैंने बताया था। फिर नेक्स्ट में क्या है कि कंपरेटिव वर्ड रहेगा, यानी कि जिसमें ईआर रहता है और जिसमें मोर रहता है उसे पुनः रिवर्स करके सेंटेंस को एडजेक्टिव बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उसे एज एज में लिखते थे, यानी कि पॉजिटिव में लिखते थे तो एज एज के अंदर लिखना है उस वर्ड को। फिर नेक्स्ट में क्या है कि दैन का यूज उसमें होता था कंपरेटिव में, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में आने के बाद दैन यूज बिल्कुल नहीं होगा। फिर फोर्थ में क्या है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसे कंपरेटिव में बनाना है, और जो कंपरेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव में बनाना है, यानी कि जिसमें नॉट रहेगा उसमें नॉट नहीं देना है, जिसमें नॉट नहीं रहेगा उसमें नॉट देना है। जैसे कि एक सेंटेंस को बनाते हैं, पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज नॉट टॉलर देन मोहन। ये मेरा है कंपरेटिव डिग्री का, क्योंकि कंपरेटिव में कैसे पहचानते हैं वो कल मैंने बताया था कि इसमें क्या है, ईआर लगा हुआ है जो कंपरेटिव को शो करता है, और देन वर्ड लगा है जो कंपरेटिव को शो करता है। तो ये कंपरेटिव में सेंटेंस है, इसे पॉजिटिव में कैसे लाते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नाउन और सेकेंड, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम। तो यहां पे मेरा लास्ट नाम क्या है, मोहन। तो पहले लिखना है यहां पे मोहन। मोहन में फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब एज है तो एज। अब नॉट है दिया हुआ तो नॉट देना है, नहीं देना है, क्योंकि जिसमें नॉट रहता है उसमें नहीं देना है, जिसमें नहीं रहता है उसमें देना है। तो नॉट है तो नॉट नहीं देंगे। अब यहां पे जो टॉलर है ये कंपरेटिव वर्ड है, ये कंपरेटिव वर्ड है, तो इसे पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, तो पॉजिटिव में लाते हैं तो क्या करते हैं, एज और एज के बीच में लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे एज, और यहां पे टॉल, और यहां पे एज, एज टॉल एज। ये जो टॉल है ये एज और एज के बीच में फिर से बंद हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ क्या नाम है, राम, वो राम को हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। इस तरह हमारा ये कंपरेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव में बनके तैयार हो गया। फिर हम लोग एक नए सेंटेंस को लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन सेंटेंस और लिया है, और इस सेंटेंस को हम लोग फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस, राधा इज नॉट रिचर देन मोनी। तो ये मेरा है कंपरेटिव का, कंपरेटिव का है, और इसे बनाना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मोनी है, मोनी को लास्ट वाला नाम को शुरू में लिखना है, मोनी। मोनी हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लिखना है।
अब क्या इसमें नॉट है तो नॉट लिखना है, पॉजिटिव में नहीं लिखना है। और ये जो रीचर है ये एज एज के बीच में बंद आ जाएगा कि क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एज एज में बंद होता है, तो यहां पे लिख देंगे एज रीच एज, बचा हुआ नाम क्या है राधा, वो राधा को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। इस तरह ये मेरा बन गया पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस और है, मोहन इज मोर हैंडसम देन रोहन, मोहन इज मोर हैंडसम देन रोहन। तो यहां पे सेंटेंस क्या करना है, इसे फिर से हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, पॉजिटिव में लाना है। तो क्या लिखेंगे पहले, रोहन, रोहन लास्ट नाम को हम लोग पहले लिखेंगे, रोहन। रोहन हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लिखना है। अब क्या इसमें नॉट है, नॉट नहीं है तो नॉट देना है, उसमें नॉट था तो नॉट नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें तो नॉट है नहीं तो नॉट यहां पे देना है नॉट। और ये जो मोर हैंडसम क्यों दिया है, क्योंकि कल बताया था हम लोग कुछ ऐसे वर्ड होता है पॉजिटिव में तो कंपेरेटिव में ईआर लगता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड में हम लोग ईआर नहीं लगाते जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफिनिट नहीं होता है, उसका सुटेबल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगाते हैं। यहां पे मोर हैंडसम है तो ये पॉजिटिव में वर्ड आ जाएगा, तो ओनली क्या हो जाएगा, हैंडसम, जो कि एज और एज में बंद रहेगा, एज हैंडसम, एज नाम क्या बचा हुआ है, मोहन, मोहन को लास्ट में लिख देना है। एक और सेंटेंस को हम लोग लिखे हैं, दीपू इज मोर इंटेलिजेंट देन राजा, दीपू इज मोर इंटेलिजेंट देन राजा। तो पहला नाम यहां पे फर्स्ट वाला नाम को लिखेंगे राजा, यहां पे राजा जो है लास्ट को यहां पे लिख देंगे फर्स्ट में, राजा इज है तो इज लिखेंगे। अब यहां पे क्या नॉट है, नॉट नहीं है तो नॉट इसमें भी देना है, क्या करना है नॉट। अब ये इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट का क्या होता है, एज और एज में बंद कर देंगे इसे भी, एज इंटेलिजेंट, एज क्या बचा हुआ है नाम, दीपू, दीपू। तो बच्चों इस तरह हम लोग सेंटेंस को जान गए। तो पहले तो हम लोग जाने क्या कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसे कंपरेटिव में कैसे बनाते हैं, आज हम लोग पढ़े हैं कि कंपरेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, उसे रिवर्स कैसे कहते हैं। तो इसके लिए ये नियम है, आप आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे। और इसके साथ ही अगला वीडियो के साथ हम लोग कल मिलेंगे इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।